मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। पाकिस्तान ने अपनी निस्बतन छोटी तारीख के अंदर जो रिकॉर्ड सेट किए हैं वो ज़्यादातर हुकूमतों की कम मुद्दत होने के सेट किए हैं। 90s की दिहाई में ख़ास तौर पे हुकूमतें तब्दील जो हैं वो काफ़ी रफ्तार से हुआ करती थी, लेकिन हमारे जब सिपा सलार आज़म चाहते हैं हमारे हुकूमत का डोर संभालना तो वो तकरीबन 10 साल तक की का टर्म हमने देखा है। लेकिन इसको भी पार करते हुए एक शख्स थे जो गवर्नर सिंध थे, इरशाद अलबाद साहब, डॉक्टर इरशाद अलबाद साहब, जो कि अपने 14वें साल में थे, 14th ईयर ऑफ बीइंग अ गवर्नर और विदाउट प्रायर ऐलान। मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद मोहम्मद बिन कासिम के दौर से वो मेरे ख्याल से कायम अली शाह साहब के लिए इस्तेमाल होता था और अब पीएमएल नून की देन है कि शायद उन इरशाद अलबाद साहब के सक्सेसर के लिए भी इस्तेमाल होगा क्योंकि सैयद अजमा सिद्दीकी साहब को उन्होंने गवर्नर बना दिया है। इरशाद अलबाद साहब को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पिछले चंद हफ़्तों के अंदर काफ़ी तेज़ी से उनके खिलाफ तनकीद की। बहुत सारे लोगों को बड़ी सरप्राइजिंग लगी, इस तरह लगा जैसे इनकी कोई निजी प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने इतना नहीं था कि टेंशन होगी बिटवीन पाक सरजमीन पार्टी एंड द गवर्नरेट। लेकिन फिर इरशाद अलबाद साहब का एक बार फिर से, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन पहले वो इस्तीफे दिया करते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पर और फिर वो वापस आ जाया करते थे। एक इन 14 साल के दौरानिए के अंदर जो आखिरी 3-4 साल थे उसमें कम अज़ कम उनकी दूरी नज़र आती थी MQM से, और ये दूरी जो है इसका ऐलान भी हो गया था पिछले चंद सालों में, और MQM ने इनको अपनी तरफ से आक करते हुए इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कह दिया था और उनको फेडरेशन का नुमाइंदा पहले कहा था, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बाद में कहा था। हैदर वहीद साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, सैनेटर रफी साहब, जिनकी ये जो सक्सेसरशिप है गवर्नरेट की इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल होगा। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। MQM पाकिस्तान सलमान मुजाहिद बलोच साहब की सूरत में रिप्रेजेंटेड होगी। 14 ईयर्स, मतलब ये तो ये वो वाली पार्टनरशिप थी जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था, वो मोहम्मद यूसुफ एंड इंजमाउल हक वाली थर्ड विकेट पार्टनरशिप, इसका जाने का तो किसी ने सोचा नहीं था एकदम से आउट द ब्लू। जनरली क्रिकेट की पार्टनरशिप्स में दो बैट्समैन जो हैं उनका किरदार होता है, ये वो वाली पार्टनरशिप थी कि जहाँ इरशाद अलबाद साहब को आप नंबर 11 का बैट्समैन समझें, जिन्होंने बहुत ही जो है वो मनूवरिंग करके अपने आप को मॉडिफाई करके, एक ज़माने में उनकी पावर एक चीफ मिनिस्टर के लेवल की समझी जाती थी मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया और PPP के साथ भी चले, फिर PML नून के साथ भी चले। तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन ना हासिल होते हुए भी, ना जानते हुए भी, मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त स्किल सेट के प्रॉबेबली जो है वो ओनर ज़रूर होंगे, क्योंकि उस स्किल सेट के बग़ैर इतने साल आप गवर्नर, इतनी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में आप गवर्नर नहीं रह सकते। यहाँ पे डिफरेंट पावर्स हैं जिनसे आपको डील करना होता है, इस्टेब्लिशमेंट है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM है, अल्ताफ़ हुसैन साहब से वैसे भी इनकी डीलिंग्स कोई बहुत अच्छी देर पा नहीं जा रही थी, और बड़ी मुद्दत से अब ये कहा जाता था कि ये अब MQM को भी डिलीवर नहीं कर सकते, बावजूद इसके ये गवर्नर रहे। तो इनमें ज़रूर कोई स्किल सेट था कि ये ब्रिज करते थे डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, सूबों को, या MQM के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, पुलिस से इनकी डीलिंग्स थी। तो ही वाज मोर देन योर एवरेज गवर्नर, और इन्होंने इन 14 सालों में अपनी शख्सियत को भी खासे तौर पर मोल्ड किया होगा जो इन्होंने इतने सारे लोगों के साथ वक्त गुजार लिया। फिर वो जब गए हैदर वहीद साहब तो निहाल हाशमी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, इतनी मोहब्बत से नहीं याद किया उन्हें, उन्होंने कहा कि हमने आज एक दहशतगर्द तंजीम की आखिरी अलामत को यहाँ से हटा दिया है। हाशमी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, अभी भी आपके लिए दहशतगर्द है MQM, उनकी आखिरी निशानी इरशाद अलबाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे लिए नहीं, पूरे शहर और मुल्क में दहशत की अलामत रही है अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में, नौज़िबिल्लाह वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो नहीं कहते रहे, पाकिस्तान के बारे में ये बात करते रहे, और 2002 में लंदन से बैठ करके यहाँ पे गवर्नरशिप का डिसीजन हुआ और उस वक्त आमिर ने गवर्नर नॉमिनेट किया। तो कल जो मैंने बात की और मैंने ठीक बात की है, वहाँ मैंने गवर्नर से ज़्यादा मेरी जो अगर आप मेरी बात को देखेंगे तो मैं ये बता रहा था कि आमिरियत के दौर में क्या हो रहा है और जमहूरियत के दौर में क्या हो रहा है। आमरियत के दौर में पाकिस्तान के फैसले
लंदन से बैठ के किया करते थे वो लोग जो पाकिस्तान को नहीं मानते, और एक आमिर ने ये सब कुछ किया। मगर जमहूरी दौर में आप देखें जो फैसले होते हैं अवाम के दरमियान होते हैं, लीगल फ्रेटरनिटी जो पाकिस्तान को नहीं मानती, अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया। इशरत साहब तो अब एमक्यूएम के आपका इशारा क्या है, इशरत साहब के ड्राइवर की तरफ था, मतलब आप इशरत साहब की बात कर रहे हैं। तो बड़े मजेदार हुई कि लंदन भी बोल पड़ा, दूसरे भी बोल पड़े, तो ऐसा लगता है कि रिश्ते बड़े। आपने बात ही ऐसी कर दी, बात ऐसी क्या की, सबने उसको ऑन कर लिया। अच्छा सही, आप ये मैंने गलत बात की, दहशतगर्दी शहर में नहीं, 12 में इस शहर में नहीं हुआ, आपने इस शहर में हलाकतें नहीं, असल में दहशतगर्दी नहीं करते। मसला ये है कि ये 3 साल जो दहशतगर्दी की अलामत थी ये आपको खल नहीं रही थी, नहीं, जो आपकी जब हमारे साथ काम करने वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर, दहशतगर्द आपका नुमाइंदा था, आपको प्रॉब्लम नहीं थी। हुजूर हमने अपॉइंट नहीं किया था जब हमारे साथ नहीं, लेकिन आप निकालने का तो पूरा पूरा आपका इख्तियार था, जो आपने अब एक्सरसाइज 3 साल के बाद किया। भैया जुम्बिश कलम गायब हो जाता है, हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी थी वो कराची शहर और सिंध को हम अमन का गहवारा बने बनाए, दहशतगर्द को वहां रख के आप अमन का गहवारा बना रहे। कंप्लीट करने दें, हमने ये किया कि हम यहाँ की ट्रेड को, कॉमर्स को, बाज़ारों को तहफ़ दें, लोगों को जो सहमे हुए लोग थे, जो ज़ख्मी ज़ख्मी कराची था उसको ठीक किया जाए, जो लहू रस रहा था लोगों के ज़ख्मों से उसे ठीक किया जाए। बहुत खूब, लेकिन जो दहशतगर्द वफाक की अलामत थी उसको 3 साल के लिए क्यों छोड़ा? 3 साल हमारे साथ इशरत लिबास साहब ने गुजारा, उसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखी। मैंने बात फिर की 2002 की कि उस वक्त नॉमिनेट करता था कोई लंदन से बैठ के और यहाँ पे कामिर उसके डिक्टेशन पे बात कर रहा होता था। आपने भी तो 2-3 साल माना, हमने तो दहशतगर्दी की अलामत, हाशमी साहब आप तफरीक की अलामत कहते हैं, हमको आप क्या, मैं क्या, पूरी डिविजन की अलामत कहते हैं, मैं मान लेता हूं 3 साल जो है उनको हजम करना पड़ा, आप दहशतगर्दी की अलामत कहते रहे कि नहीं कहते रहे, मैं कौन से नहीं बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा गलत कह रहे हैं सर, मैं कह रहा हूं अगर आपकी पार्टी का यही रवैया था उनके हवाले से 3 साल इंतजार क्यों किया? आप मेरे जबान में अपनी बात मेरे मुंह में ना डालें, मैंने इशरत लिबास साहब के हवाले से नहीं कहा, जो बात मैंने की थी मैंने कहीं नाम लिया उनका नहीं, आपने कहा कि उनके हटने से अलामत खत्म हो गई दहशतगर्दी, उनका नाम लिया, मैंने सवाल क्या हुआ, मैंने तो एमक्यूएम की बात की, सवाल क्या हुआ, आपसे मुखातिब होकर आप करके आपको कुछ बोलूं तो क्या मैंने आपकी बात की या नहीं की? मैंने सर आपसे अगर सवाल हो रहा है, गवर्नर साहब के जाने के हवाले से आपके क्या तासुर आते हैं, और आपने गवर्नर साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं पूछा, नहीं सवाल यही था कि आपका मौसम कैसा है, और आपने जवाब में कहा दहशतगर्दी की अलामत खत्म हो गई। आज हाशी साहब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आप खड़े हुए कहाँ थे जब शॉट जब लिया, कहाँ थे? रोड पे था, कहाँ रोड पे, कहाँ किस चीज के करीब, गवर्नर हाउस के करीब। अच्छा, और वो आपसे पूछ रहे थे सामने वाला घर जो है उसके अंदर, उन्होंने मुझसे पूछा कि गवर्नर हाउस का पूछा, पिंजरे गवर्नर लाया, पूछा आपने जो गवर्नर लाया इज टू सीनियर, तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिया ये जमहूरी दौर का आईनी और कानूनी और अवामी गवर्नर है। याद करें इससे पहले जब गवर्नर आया था तो लंदन से डिक्टेट करके आया था अल्ताफ हुसैन, आपने गवर्नर यानी क्या, आपने इशरत लिबास साहब का नाम नहीं लिया, उनके ओहदे का हवाला दिया, मैंने उस माइंडसेट की बात की, सही, उस दहशत की बात की, उस माइंडसेट की बात की जो पिछले गवर्नर की थी जिसका नाम इशरत लिबास था, लेकिन उसका नाम नहीं, आप नहीं कहते कि ये दहशतगर्दी शहर में होता रहा, आप नहीं कहते कि मुशर्रफ आमिर था, मैं नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात पर कायम नहीं है, कायम हूँ मैं, बात भी कायम हूँ कि दहशत की अलामत एमक्यूएम दहशत की अलामत थी और वो माइंडसेट चलता रहा इस शहर में, अल्ताफ हुसैन वहां से बैठकर डिक्टेट करता रहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ गैर जमहूरी दौर था, आप क्या समझते हैं कराची में अमन था? नहीं था, क्या 12 में नहीं हुआ, निकल क्यों रहे हैं? मैं देखिए मैं अगर बाखुदा नाम लिया होता तो मैं जरूर नाम लेता। अच्छा ये मेरे ख्याल से कायरा साहब से पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लें, कायरा साहब अभी इशरत लिबास साहब की बात हो रही है, एक बहुत तवील टेन्योर और उसमें पीपल्स पार्टी के 5 साल भी शामिल थे, आपने सर गवर्नर साहब को कैसा पाया? सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने तासरात दिए थे उसके हवाले से, हम उनसे बात कर रहे थे, 5 साल इन्होंने आपके साथ काम किया, सर कैसा पाया आपने इन्हें और ये क्या वजह है कि ये हर रेजिम के साथ काम कर पाते थे? देखिए पहली बात तो ये है कि एक बड़ी तवील इन्हें खेली, शायद सबसे ज्यादा तवील अरसे तक गवर्नर रहने वाले वो आदमी थे। बिल्कुल, जनरली मुरंजा ने मुरंज शख्सियत थे, मैं उनको बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानता क्योंकि मैं कराची का रहने वाला नहीं हूँ, यकीनन उन पे इल्जामात भी लगे, एमकेएम पे उठने वाली बातें भी उन पे कही, उनके बारे में की गई, लेकिन ये बात भी बहरहाल कि वो बिजनेस कम्युनिटी में भी बड़े पॉपुलर रहे और सब हुकूमतों के साथ उन्होंने मिलकर काम किया, जनरल मुशर्रफ के दौर में वो आए थे, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, हमारे साथ किया 3.5 साल 3.25 साल से इस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, केयर टेकर में भी रहे,
तो ये एक शख्स की एक्सेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी है, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ अदवार में बड़े चैलेंजेस आए, मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस थे, कई तरह का इल्जाम तराशी भी रही, लेकिन फिर भी वो उनमें ये कैपेसिटी थी कि वो मुख्तलिफ अफराद के साथ काम मिलकर कर सकते थे। कुछ ये भी है कि शायद उनको एम के एम की भी सपोर्ट हासिल थी, बहुत अरसे तक रही, यकीनन वो एम के एम के नॉमिनी ही थे। आपका तावन और आपकी सपोर्ट क्यों हासिल रही, आपने क्यों सिंध के मफाद में समझा इनको 5 साल कंटिन्यू करवाना, या यही उनका स्किल सेट था? सिंध के अंदर एम के एम पीपल्स पार्टी के डिवाइड को कम किया जाए, आसिफ जरदारी साहब ने रिकंसिलिएशन की बहुत कोशिश की, जहाँ पे हम मुस्लिम लीग के साथ पंजाब में मिलकर चलना चाहते थे, वहां हम सिंध में लड़ाई अवॉइड करना चाहते थे। यकीनन अगर सियासी तलखी बढ़ जाती, कई मौके वो भी आए जब एम के एम हुकूमत में होते हुए हमारे खिलाफ होती थी, कैबिनेट में बैठती थी लेकिन बाहर निकल के अपनी अपना एजेंडा टो कर लेते थे। लेकिन तायरा साहब, ये कंसिलिएशन के तहत था, लेकिन कभी आपको भी वो वजन फील होता था अपने कंधों पे जो ये निहाल हाशमी साहब ने इशारा किया है कि ये आखिरकार एक दहशतगर्द तंजीम के नुमाइंदा थे, या फिर इट वॉज द बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब? मैंने अर्ज किया ना कि वो बस एक एडजस्टमेंट थी, उन्होंने अपना एक अच्छा वक्त गुजार लिया। निहाल हाशमी साहब बिल्कुल वो कराची के रहने वाले हैं, उनकी अपनी राय होगी, लेकिन अगर वो जिस तरह का वो फरमा रहे हैं वो तो फिर उनके अपने वजीर आजम और उनके अपने सदर पे चार्ज। हम यही उनसे पूछ रहे हैं सर, यही उनसे पूछ रहे हैं हम। निहाल हाशमी साहब, अब आपसे ये पूछूंगा कि अब आपने क्यों 3.5 साल के बाद अब क्यों उनको निकाला, अब क्या बदल गया? देखिए, चेंज तो कभी भी लाया जा सकता है, नहीं कानूनी तौर पे आपका हक है, बट ये आपने इस्तेमाल इस हक का इस मौके पे क्यों किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो आपने सवाल रेस किया है, बुनियादी तौर पे मैं उस माइंड सेट और उस तंजीम को दहशतगर्द कहा। मैंने गवर्नर का नाम नहीं लिया था, ना इशरत का नाम, अगर मैं लिया होता तो मैं ज़रूर कहता कि हाँ ये किया और ये है। हमारे साथ जो 3 साल उसने गुजारे, अच्छे गुजारे, और कराची शहर, आप क्या नहीं मानते कि लंदन से बैठ के कराची में दहशतगर्दी कराई गई? आप नहीं मानते? आप क्यों निकाला ये बताएं। ये हमारा प्रोगेटिव है, और बेहतर आदमी मिल गया मुझे अभी तक, बेहतर नहीं मिला, बेहतर आदमी मिल गया हमें, और अच्छा। और फिर वो एक तंजीम का नॉमिनेटर था, वो तंजीम जो पाकिस्तान को नहीं मानती है, वो तंजीम जो लंदन में बैठ के बात करती है, तो उसी तरह की तंजीम का हमारे साथ सही काम किया। अच्छा, 3 साल में हमें कराची में ऑपरेशन नहीं कर रहा था क्या? ये हमारा प्रोगेटिव है, हम जिसे चाहे बुला लें। तो यानी कि कोई खास वजह नहीं थी आपके? नहीं, अच्छा, हमारे पास वजह थी, सैदुज्जमान इज ए वेरी गुड चॉइस। तो सैदुज्जमान साहब अब आज अगर 84 के हैं या जो भी उनकी माशाल्लाह उम्र है, तो उस वक्त 81 थी, तो उस वक्त रवायत रही, आपको नहीं मालूम कि कायम अली शाह साहब भी इसे नहीं, सर आपने उनसे वो 5 साल छोटे, बहुत अच्छे इंसान को गवर्नर बनाया है, हमारी और आपकी फ्रेटरनिटी के वो इज्जत है। 3 साल पहले भी तो वो अच्छे इंसान थे ना, या भी अच्छे हुए? देखिए, ये तो आप फेडरल गवर्नमेंट की प्रोगेटिव है, जिसको चाहे जब चाहे अपॉइंट कीजिए। कायरा साहब, तो आपके ख्याल से ये वजह मुमकिन है कि अब क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी यानी एमक्यूएम अल्ताफ यानी एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी को मतलब कहीं भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं रही, तो व्हाट वाज ही ऑफरिंग एनीमोर? ही वाज जस्ट वन स्मार्ट मैन हु डिड अ गुड जॉब वंस अपॉन अ टाइम, तो ये वजह थी कि भाई अब ही इज गॉट नथिंग टू ऑफर। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको अगर वाकई वो एम के एम के नुमाइंदे थे, इसमें कोई शक नहीं, उनको अल्ताफ हुसैन साहब डिसओन कर रहे हैं, और अब अगर हुकूमत वक्त का एम के एम के साथ चलने का इरादा नहीं रहा या उनको अकोमोडेट करने का इरादा नहीं रहा, उन्होंने उनको हटा दिया, ये उनका हक है। लेकिन ये कहना कि वो दहशतगर्द था जी, अगर ये कोई कहता है कि वो दहशतगर्द की अलामत थे, वो दहशतगर्द थे, 14 साल रखा क्यों? 3 साल क्यों? 3 तो इन्होंने रखा, 5 इन्होंने रखा, उससे पहले मिलिट्री रेजिम थी उसने रखा। अगर मेरे जवाब देने दें, मैं आपका सवाल सुन चुका, अर्ज यह है कि अगर मेरी गवर्नमेंट में कायरा साहब से पूछे कि एमक्यूएम दहशतगर्द तंजीम इन्होंने डिक्लेयर किया था नहीं किया था? ही इज आंसरिंग, आई थिंक ही जी। कायरा साहब फरमाइए। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे साथ 5 साल वो रहे, हमने एमक्यूएम को दहशतगर्द तंजीम नहीं कहा था, उस वक्त तक एमक्यूएम के कायद को कोई गद्दार नहीं कहता था। अल्ताफ हुसैन साहब बिल्कुल हमसे नाराज होते थे तो हमारे लोग जाके उनको मनाते थे, वो हमारे अलाई थे, हम एक हुकूमत में इकट्ठे थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान को गालियां दी और पाकिस्तान को बुरा भला कहा, तो सारी कौम ने उनको गद्दार कहा। लेकिन उसके बाद कायरा साहब, बिलावल साहब ने बावजूद इसके कहा कि मैंने अंकल अल्ताफ को कभी गद्दार नहीं कहा। उन्होंने अल्ताफ के बारे में क्या कहा था कि मैं आपके, कायरा साहब बता जी, मजाक कर देता हूँ अगर मुझे अपने सवाल का जवाब जी आपसे, बिल्कुल बिलावल साहब से सवाल हुआ, उन्होंने नहीं कहा,
उन पे पहले सवाल हुआ कि आप मियां नवाज शरीफ को गद्दार कहते रहे, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी आप कहते रहे, एक साफी नौजवान साफी था वो जज्बाती हो गया। उन्होंने कहा जी आप कहते रहे, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी नहीं आपने कश्मीर के इलेक्शन में कहा। उन्होंने कहा जी मैंने ये नारा लगाया था कि मोदी के यार को एक धक्का दो और दो, प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड मुंतखब वजीर आजम है, उनके साथ मेरा बहुत इख्तलाफ है लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये बात वाजे होगी। नौजवान ने कहा नहीं जी आपने कहा है। उन्होंने कहा यार आपके पास रिकॉर्ड है आप देख ले। दूसरा साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसमें ब्रेक से आके इस चीज को भी फिर एनालाइज करेंगे कि क्या यह मुमकिन है कि इशरतुल अबाद साहब, क्योंकि इतना मास्टरफुली उन्होंने अपने 14 सालों में डिफरेंट पावर सेंटर्स को, हुकूमतों को, पॉलिटिकल एंटिटीज को, एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चले हैं वो, तो अगर यही उनका स्किल सेट है तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान या किसी और जमात में इनका फ्यूचर हो सकता है? या हम ये भी ना भूलें कि पीपल्स पार्टी भी कराची को अब जो है सियासी निगाह से पहले के कुछ सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा देखना चाहती है, और पीएमएल नून ने भी अपना गवर्नर लगा के शायद ये इशारा दिया है कि अब आइंदा इलेक्शंस क्योंकि करीब हैं तो सिंध में शायद वो भी एक रोल प्ले करना चाहें। इस पर हम बात करेंगे। और नए गवर्नर की उम्र के हवाले से भी जो तनकीद की जा रही है, क्या ये एजिस्ट है या फिर इसके अंदर कोई वाकई में ये बनती है तनकीद की उम्र शायद उनकी बहुत ज़्यादा है, काम शायद वो ना कर पाए। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले इशरतुल अबाद साहब के डिपार्चर और नए गवर्नर के आने के हवाले से बात कर रहे थे, और साथ ही साथ इसको हम लिंक कर रहे हैं अब पोस्ट अल्ताफ हुसैन कराची की क्या सियासत हो सकती है, क्या हम वाकई पोस्ट अल्ताफ हुसैन ईरा में आ भी चुके हैं या नहीं, अगले बैलेट पे क्या अल्ताफ हुसैन साहब होंगे, और अगर होंगे या नहीं होंगे तो बाकी जो सियासी पार्टियाँ और ताकतें उभर रही हैं इनको क्या परचेज, क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या सीटें मिल सकती हैं कराची में, इसकी भी हम बात करेंगे। सलमान मुजाहिद बलोच साहब एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराता चलूं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बलोच साहब। इशरतुल अबाद साहब का इस वक्त जाना आप किस तरह देखते हैं कि ये क्या वजह थी कि इस वक्त इतने सालों के बाद उनको जाना पड़ा, और उनके जाने के बाद क्या उनका कोई सियासी मुस्तकबिल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जहाँ तक इशरतुल अबाद साहब का जाना है या उनकी तब्दीली है, ये तो एक लीगली और आइनी मसला है, और ये प्रेरोगेटिव है सॉलिडली फेडरल गवर्नमेंट का। नहीं, आज ये फैसला क्यों किया गया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें ये तो एक आइनी इख्तियार है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वफाकी हुकूमत का, क्योंकि गवर्नर जो है प्रोविंस में फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। अब आज ये फैसला क्यों किया गया, ये हमारे लिए भी बाईस हैरत है और हैरान कन है, क्योंकि हम इस मुल्क पाकिस्तान की और सिंध की दूसरी सियासी बड़ी कौमी जमात हैं और हमें इसमें मशावरत में शामिल करना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि आज ये फैसला क्यों किया गया कि जब कराची ऑपरेशन अपनी फुल स्विंग पे है, जब ये दावा किया जा रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं एक पेज पर हैं और सबकी ये विल है और ये विश है कि कराची ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और दहशतगर्दों को का और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। अब नियाल हाशमी साहब शायद आपके साथ बैठे हैं, आप जैसा कि आपने मुझे ऑफ एयर बताया था, तो ये इसका बेहतर जवाब तो नियाल हाशमी साहब दे सकते हैं क्योंकि पीएमएलएन के सेनेटर हैं। जी, वो कोशिश कर चुके हैं। सलमान मुजाहिद साहब एक बात बताएं, आप मानते हैं इनकी इस बात को कि ये दहशतगर्दी की आखिरी अलामत थे, यानी कि आप मानते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन साहब के विंग की एक आखिरी रिप्रेजेंटेशन थे? नहीं, मैं इस बात को मानता भी नहीं हूँ और इस बात में कोई हकीकत भी नहीं है। और नियाल हाशमी साहब ने कल जोश खिताबत में ये अपना बयान दे दिया और फिर वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर इत्तला'आत ने, पीएमएलएन ने इसको डिसऑन किया। फिर नियाल भाई ने भी शायद अपने इस बयान को वापस ले लिया है और कल के तीन चार शो में वो ये बात कर चुके हैं कि मेरी तरह से ले लिया। नहीं नहीं, कोई नहीं लिया हमने बयान वापस भाई। वो एमक्यूएम जो 2002 से लेके अल्ताफ हुसैन साहब का आपको आपकी उनसे बरतरफी तक को एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं। अच्छा, मुझे बात कर, अगर इन्होंने बयान वापस नहीं लिया तो मुझे बात करने दें। अगर बयान वापस नहीं लिया तो मैं, नियाल हाशमी साहब ने अगर ये बयान वापस नहीं लिया
तो मैं इनके इस बयान को इंतहाई गैर संजीदा कहता हूँ, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कहता हूँ। और नियाल हाशमी साहब को चाहिए कि उसी PMLN के वो नुमाइंदा हैं जो PMLN के वज़ीर आज़म या बैठ के इसी गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात भी करते रहे, फैसले भी करते रहे, आर्मी चीफ भी आते रहे। और अगर इतने ही दहशतगर्द थे या दहशतगर्दी की आखिरी निशानी थी तो 3.5 साल पहले ही हटा देना चाहिए था। क्यों उन्हें जो है कमेटी में बिठाया? उनका जो जवाब है ना सलमान साहब, वो असल में ये हम पूछ चुके हैं। आप एक बात बताएं, आप अपनी पार्टी, आपकी पार्टी जो अल्ताफ हुसैन साहब से अलग हो गई है, आप लोग अब मानते हैं ना एक हद तक कि अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी की वजह उनकी उनकी तंजीम के अंदर गैर कानूनी, उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी गैर कानूनी हरकतें भी थी? ये तो आप लोग मानते हैं ना कि दे वर ऑपरेटिंग आउटसाइड द लॉ, और आपने आपने दावत भी दी है वफाक को और सूबे की पुलिस अथॉरिटीज़ को कि वो आके छानबीन करें और मालूम करें कि किसने क्या किया। ये तो है ना, ये तो आपका परसेप्शन है और आपकी। हमने जो ला तालुकी किया है लंदन से, वो हमने 22 अगस्त की स्पीच पे किया है, जो रियासत मुखालिफ स्पीच हुई, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए गए, पाकिस्तान के मुखालिफ जुमले अदा किए गए, हमने उस स्पीच से ला तालुकी किया है। और इसके बाद लंदन से हमने अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया और आज हम 23 अगस्त की पॉलिसी के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तंजीमी और सियासी सफर जारी सारे रखे हुए हैं। फ़ोन की तरफ भी इसमें एक इशारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अब साहब नहीं, लेकिन सलमान साहब आप से मुखातिब होते थे। आई थिंक फैसल वावडा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके अल्ताफ हुसैन MQM पॉलिटिकल जो सिनारियो है कराची में, उस पर आपके मैं व्यूज़ लेना चाहूँगा, लेकिन पहले एक क्विक क्वेश्चन कि आप इशरतुल इबाद साहब के डिपार्चर को इस वक्त किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल से उनको इस वक्त क्यों 14 साल के बाद हटाया गया? शुक्रिया आपका। लेकिन जी सबसे पहले जो आपने गवर्नर साहब का सवाल किया, बिल्कुल जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब मौजूदा हुक्मरान भी नहीं दे पा रहे, मौजूदा हुकूमत नहीं दे पा रही, इससे पहले की भी हुकूमतें नहीं दे पा रही कि 14 साल से, और बकौल निहाल हाशमी साहब के जिन्होंने खुद अपने नवाज शरीफ साहब और अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया ये कहकर कि वो दहशतगर्दी की अलामत थे, तो गवर्नर हाउस में जो मीटिंग होती थी नवाज शरीफ साहब की, डार साहब की, वो क्या दहशतगर्द के साथ करते थे? और अगर दहशतगर्दी का गढ़ था तो 3.5 साल से सो रहे थे, और उससे पहले जो 5 साल हुकूमत रही वो सो रही थी, और उससे पहले जो 5 साल थे जो इनको लेके आए थे मुशर्रफ साहब वो सो रहे थे, और फिर उनके ड्यूल नेशनलिटी वो तो मानते हैं सो रहे थे मेरे ख्याल से, ठीक है जी। उसके बाद ड्यूल नेशनलिटी की बात भी की तो 14 साल तक मुस्तफा कमाल साहब भी खामोश रहे, इतने मुखलिस थे वो मुल्क के। उसके बाद 14 साल तक सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज जो काम करती हैं उनको नहीं पता था कि ये ड्यूल नेशनल है, तो ये सब मुफाद परस्त मोरे हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए असल वजह क्या हटाने की आपके ख्याल से? इशरत अहबाज साहब की वजह ये है कि इशरत अहबाज के थ्रू वाया मीडियम अल्ताफ हुसैन साहब के साथ बातचीत चल रही है। अल्ताफ हुसैन इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं जो इनके ऐसे चेहरे सलमान मुजाहिद हो गया, ख्वाजा इजहार हो गया, फैसल सब्जवारी हो गया, खुशबू शुजात साहब हो गए, ऐसे अच्छे चेहरे अपने नाम से पार्टी खोल ले, नई पार्टी बना ले, MQMF बना ले, MQMQ बना ले, लेकिन क्या जरूरत है उनको अल्ताफ हुसैन के मैंडेट के साथ चलने की, नंबर वन। नंबर टू ये कि उस टाइम में ब्रीदर के तौर पे नवाज शरीफ साहब ने पूरा ड्रामा किया, बिकॉज इन्होंने पहले थ्रेट किया था कि असेंबली से निकल जाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब को पता था अगर असेंबलियों से निकल गए तो उनका इकतदार खतरे में पड़ जाएगा, तो इकतदार खतरे के अंदर तो वो मुझे दे दे, तो उन्होंने इनको बचाने के लिए पाकिस्तान का ड्रामा किया। उसके बाद इशरत अहबाज MQM के असेंबलियों में से निकलने से इक्तदार को कैसे खतरा पड़ेगा फैसल वावडा साहब? आप भाई अब हीवल तो होता है ना पार्लियामेंट में, लोग रिजाइन करते हैं, एक तादाद होती है, एक स्टेटस को डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी फिर उससे निकल सकता है। वो उस हद तक तो मैं बात आपकी मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया फैसल वावडा साहब के असल वजह क्या है इनको आप 14 साल के बाद हटाने की। सर इसकी असल वजह ये है कि MQM लंदन और पाकिस्तान एक है, नंबर वन। और इशरत अहबाज साहब डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट से अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, ही वॉज अबाउट टू टेक ओवर MQM पाकिस्तान। PSP के साथ जो यूनिटी होनी थी वो आप मुस्तफा कमाल साहब खुद कह चुके हैं कि 1.5 महीने का हमारा रोमांस था, उस रोमांस बाद वो रोमांस नहीं बना, लीडरशिप के ऊपर झगड़ा था, मुस्तफा कमाल साहब खुद लीडर बनना चाहते हैं या है वो, और इशरत अहबाज साहब खुद लीडर बनना चाहते थे, मुस्तफा कमाल साहब को रिप्लेस करना चाहते थे। इस दौरान एक डिवीजन हुई, और डिवीजन भी आपको पता है कि पिंडी से स्टार्ट हुई ये डिवीजन, कि उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दें आपके मुताबिक इन्होंने PSP से जो लड़ाई की और ये जो स्ट्रगल थी PSP की लीडरशिप पे, वो क्योंकि इशरतुल इबाद साहब उसमें मुस्तफा कमाल के आमने सामने थे, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनको हटाया गया, कि आप ये कह रहे हैं? फिर देखिए जी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर
स्टांस रखा है दहशत गर्दी के हवाले से मिलिटेंट विंग इन रिगार्ड टू एमक्यूएम। वो बड़े स्ट्रेट थे डे वन से और उन्होंने ऑपरेशन करके इनकी कमर तोड़ दी, जो हम डे वन से डिमांड कर रहे थे और मांग भी रहे थे और वो हुआ भी। जब वो हो गया तो फिर उसको जिंदा किया जा रहा था, उस मिलिटेंसी को जिंदा किया जा रहा था और जिंदा करने के अंदर जिंदा कौन कर रहा था आपके एमक्यूएम के लोग तो वाया इशरत अलीबाज। अच्छा तो यानी आप के आप यानी नयाल हाशमी साहब की बात से एग्रीएबल हैं कि वो दहशतगर्दी की अलामत गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे। नहीं नहीं मैं इस पे नहीं बिल्कुल डिबेट कर रहा, मैं तो जी मैं देखे आई बी वेरी ऑनेस्ट ब्लंट एंड अपफ्रंट कि जी मैं तो 14 साल से सवाल करता हूँ, मुझे तो नहीं पता दहशत की। एमकेएम अल्ताफ हुसैन के साथ इन कॉन्टेक्ट थे गवर्नर साहब, ये कंफर्म बात ठीक है। और ये मालूम करते हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब से एक ब्रेक के बाद कि क्या हम पाकिस्तान से भी इन कॉन्टैक्ट थे, क्योंकि फिर ये सवाल बनता है कि शायद इशरत अलीबाज साहब क्योंकि फारूक सत्तार साहब की जगह नहीं ले पाए और इस तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब से ड्रॉप हो गए तो फिर बीच में रह गए विदाउट एनी रियल यूज, दैट्स व्हाई इज गोइंग। एक एक ब्रेक, ब्रेक के बाद विल स्टार्ट विद दैट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। सलमान मुजाहिद बलोच साहब से सवाल था। सलमान साहब, ये आप मानते हैं कि अव्वल तो इशरत अलीबाज साहब के ताल्लुकात अभी भी हैं अल्ताफ हुसैन साहब से, जिस तरह फैसल बावड़ा साहब ने अलेज किया है, और दूसरा सर आपकी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान आज डॉक्टर साहब डॉक्टर इशरत अलीबाज साहब को किस तरह देखती है? देखें, फैसल बावड़ा साहब ने पहले तो मेरे लिए कमेंट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि फैसल वाडा साहब ने जितनी भी बातें कही हैं तो मैं भी वो ठीक हूं, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं बड़े वेल कनेक्टेड हैं कुछ बड़े लोगों के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों के पास होती है वो फैसल वाडा साहब के पास भी होती है। बहरहाल हर किसी का अपना मीत है, हर किसी का अपना वर्जन है। अब वो कनेक्टेड थे नहीं थे आई डोंट नो, जिसने भी अगर इनको इतला दी है तो शायद कोई ना कोई ज़रिया होगा। अभी तो फैसल वाडा साहब को चाहिए कि उसको एक्सपोज करें। जहाँ तक एमक्यूएम पाकिस्तान इशरत अलीबाज साहब को किस तरह देखती है, तो वो देखें एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम के ही नामजद करदा गवर्नर थे और उन्होंने यहाँ पे 14 साल जो है लॉन्गिंग सर्विंग गवर्नर का रिकॉर्ड कायम किया, और अगर वो इतने ही बुरे थे तो मेरा ये सवाल है कि फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी 2002 से 2008 तक रहे एज ए गवर्नर। आप कह रहे हैं कि आप उन्हें ऑन करते हैं? नवाज शरीफ साहब ने, यानी कि आप अल्ताफ हुसैन साहब की जमात का वो स्टांस नहीं लेते कि ये वफाक के नुमाइंदा हैं, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप उससे बैक ट्रैक करती है एमक्यूएम पाकिस्तान? देखिए, मैं आपको मैं इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपका कि वो लॉन्गिंग सर्विंग गवर्नर थे, उन्होंने इस शहर के लिए सीन के लिए काम किया और उनकी खिदमत को पूरा पाकिस्तान सराहा रहा है, हम भी उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है सर, आप उन्होंने अगर करते हैं तो उनका कोई फ्यूचर हो सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, अगर आप उन्हें ऑन करते हैं? देखें, अब वैसे तो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, आईनी कदगन है, दो साल तक वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो लाजमी बात है एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप और राबता कमेटी इस पर कोई फैसला करेगी गौर अफोस करने के बाद। इस बात में कितनी सदाकत है सलमान साहब के फारूक सत्तार साहब और इशरत अलीबाज साहब में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हायरार्कियल टसल है कि कौन पहले अल्ताफ हुसैन साहब का पाकिस्तान में नंबर टू होगा और अब कौन नंबर वन होगा इस पार्टी में? देखें जी, अल्ताफ हुसैन साहब ही हैं और अल्ताफ हुसैन साहब ही रहेंगे, ना उनका कोई नंबर वन हो सकता है, ना कोई उनका नंबर नाइन हो सकता है, ना कोई नंबर टू हो सकता है। इस तंजीम में अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग हायरार्की की कोई लड़ाई नहीं है। अब सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं और इंशाल्लाह वही रहेंगे और कन्वेनर भी हैं वो, और हम उन्हीं की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को, इस परसेप्शन को मैं निगेट करता हूँ, डिनाई करता हूँ कि ऐसी कोई बात थी या है। ठीक है, तो हाशमी साहब इस हवाले से आप कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने मेरे ख्याल से क्लैरिफाई कर दिया है ये फैसल बावड़ा साहब का जो इल्ज़ाम था उसको भी। हुजूर ये बताइए कि इशरत अलीबाज जब गवर्नर बने तो उनकी ज़ाती हैसियत में तो नहीं बने? नहीं, वो तो क्लियर है। एक मिनट, तंजीमी हैसियत में अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे के तौर पर बने जी? नहीं, मैं ये एक दफा आप बन जाए तो आप नॉमिनी नहीं रहते पार्टी के, आप गवर्नर होते हैं, वफाक की अलामत होते हैं, वफाक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत लेट आई है, 10 साल तक वो बारहा जाते रहे, लंदन में भी उनको कॉल किया जाता रहा, नॉमिनी फेडरल गवर्नमेंट के। बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं गवर्नर फर्द को नहीं, उस माइंड सेट जिससे इस शहर ने तकलीफ किया,
वो आज कोई ऑन करेगा। जो माइंडसेट आपके साथ बहुत अच्छा चला, एक मिनट मेरी बात सुने, जो अल्ताफ हुसैन का माइंडसेट था, जब यहाँ के इदारों को आपने मलाइन किया लंदन से बैठ करके, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, कराची में जख्मी किया, कराची को लहू लहान किया, अल्ताफ हुसैन की सजा इनको दिया, एक मिनट, ये अल्ताफ हुसैन का माइंड सेट था, ये माइंड सेट था अल्ताफ हुसैन का। और उस माइंड सेट को कल भी मैंने, पार्टी ने आपकी बात डिसोन क्यों की? मेरी पार्टी ने डिसोन? मैं कराची का एक सियासी वर्कर हूँ, मेरी जाति राय, मैं एक सियासी पार्टी भी तो है ना। नहीं नहीं नहीं, सियासी पार्टी वर्कर आपके खला में तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरी पार्टी ने रद्द भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन वैसे ये सवाल का दूसरी बात मैं आपसे, आप लोगों से मैं सवाल करता हूं कि जो आदमी पाकिस्तान तोड़ने की बात करे, जो आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिशियल्स को बुरा भला कहे, जो पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहे, जो पाकिस्तान को खत्म बहदन बदम किसी और मुल्क को दावत दे, वो जिस आदमी को नुमाइंदा भेजा था उस आदमी की कोई हैसियत नहीं थी, उस माइंडसेट की हैसियत नहीं। लेकिन नुमाइंदा तो फेडरल गवर्नमेंट का हो गया ना उसके बाद, उस वक्त की बात, वो भी चार चार फेडरल गवर्नमेंट में कौन था, तीन साल उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में एक आमिर था। डजंट ऐड अप नयाल साहब, डजंट ऐड अप। सलमान साहब आप एक बात बताएं सर, ये जो इनकी बात का एक एक बेसिस है कि दहशतगर्द तो आप ना समझें उसे, लेकिन एक एक शहर के लिए सर का दर्द ही समझ लें। आप लोगों की पार्टी के अंदर जो ये पहले हड़तालें होती थी, फिर वो यौम वो आप अफसोस मनाते थे, ये रिवाज आपकी पार्टी का, मेरा ख्याल था, आई माइट बी रॉन्ग, ये आपकी पार्टी में अब ख़त्म हो गया, यानी आपने उस हिस्से को आग कर दिया, या फिर मैं गलत समझ रहा हूँ? और आप लोगों की पार्टी जब तूल पकड़ेगी तो एक बार फिर से आपको जब अफसोस मनाना होगा तो नामालूम अफराद आया करेंगे और कराची बंद हो जाएगा और सब लोग अफसरदा होंगे, और यू स्टिल ओन दैट सिचुएशन? ना पहले ऐसा होता था, ना आइंदा ऐसा होगा, ना ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये नियाल हाशमी साहब के जो भी वर्जन है उनका पर्सनल वर्जन है, और हम तो फिर बड़े बेवकूफ थे, सब घरों में बैठ जाते हैं। हमारे से बात है, आप कह रहे हैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ना बोले ना सर, आप बात सुनिए ना, आप किस तरह की सुन लें, देखें मैं आप ऐसे इस शहर में कभी दहशत हुई नहीं सर, ये स्टूडियो कराची में आप यहाँ पर बैठ के आप यहाँ पर बैठ के हंसी मजाक करके सारा ब्लेम, जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का ब्लेम है, एमक्यूएम पर नहीं डाल सकते। मैंने दहशतगर्दी का ब्लेम ही नहीं डाला, मैंने सर का दर्द का ब्लेम डाला। सलमान साहब ने मुझे उर्दू में भी कहने दें, अब सुन, मैंने आपको दहशतगर्दी का ब्लेम नहीं डाला, वो ब्लेम आपके ऊपर विफाक के इदारे डालते आए हैं। आपके ऊपर मैं ब्लेम डाल रहा हूँ कराची के सर के दर्द होने का। आपने क्या अपने आप को उन एलिमेंट्स से, आपने अपने आप को उन एलिमेंट्स से अलग किया है या नहीं? आप चार लोग हैं, अगर मुझे एक को बात करने देंगे तो वेरी काइंड ऑफ यू। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात सुने, पाकिस्तान का मौकिफ सुनना है तो सुनिए। अगर आपने अगर अपनी बात करनी है आवाम के सामने, आपका काम है सवाल जल्दी करें सर, आप मेरा जवाब लें। जी, अगर जी, मेरे जवाब से अगर आप मुतमईन ना हो तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है, फरमाइए जवाब। मैं अर्ज कर रहा था कि अब नियाल हाशमी साहब की बातों का जवाब आप क्या एम क्यू एम ये कह रही है कि आप कह रही है कि जो नामालूम अफराद थे उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं था, वो कहाँ है अवाम? फिर वो अवाम आज क्यों मुश्तैल नहीं है? मेरा काम है आज अवाम निकल के क्यों खुद टायर नहीं जलाती कराची में? अवाम कल भी हमारे साथ थी, अवाम कल भी हमारे साथ थी, अवाम आज भी हमारे साथ है। अब हर हफ्ते में दो दिन निकल के टायर क्यों नहीं जलाती? और यही मुस्लिम, तो भाई सवाल का बेसिस ये था, चल के आई थी, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, 9-0 पे आए थे मुस्लिम लीग नून ममनून हुसैन के लिए वोट मांगने के लिए, सेनेट के चेयरमैन के लिए शहबाज शरीफ ने लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब को फोन किया। अगर हमने कभी नहीं फोन किया, क्यों पूरी क्यों क्यों पूरी कभी फोन नहीं किया मेरे भाई नून लीग की? आप भी आते रहते हैं ना भाई, ये सियासी जमातों में होता रहता है। अगर आप सियासी जमात है तो आप हमारे पास आएंगे, और अगर हम हर सियासी जमात एक दूसरे के पास जाती है, पार्लियामेंट में साथ बैठते हैं, मुख्तलिफ तकारीब में मिलते हैं, अगर आप और अगर आप कहते हैं नहीं आप उनके साथ हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, आप फैसला आपने करना है। बोलने तो देना उन्हें, बोलने दें उन्हें। जी बलोच साहब बोलिए। अब आप बोलने नहीं देंगे अगर नियाल फरमाइए सर, सही है सही है, आप तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो पीएमएलएन के तर्जुमानी कर रहे नहीं कर रहे
वो कराची के मॉडल टाउन में रहने वाले शख्स की तर्जुमानी कर रहे हैं जो, और ये भी हकीकत है, इनको पंजाब से सेनेटर बनाया गया। ये हकीकत है, मैं पाकिस्तान का हूँ सेनेटर। ये बात करते मैं किसी कौमियत का सेनेटर नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ, मैं कोई इलाकाई का सेनेटर नहीं हूँ। मैं किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं हूँ, मैं वफाक की बुनियाद पे हूँ। मुझे फखर है इस बात पे, मुझे बहुत फखर है कि आप उनको ना ये करके बचा रहे हैं जवाब से, उनका जवाब इतना आसान नहीं है। जवाब देने दें, जवाब दें। जी जी बलोच साहब, देखिए कराची का मैंडेट हमारे पास है, कराची को हम ऑन करते हैं। सर वो अगले इलेक्शन से कोई इतने अभी तो है इख्तलाफ कोई नहीं कर रहा उसे, सवाल ये भाई एमक्यूएम ने कभी भी इंतजार की सियासत नहीं की। और अब हम पॉलिटिक्स, हम 22 अगस्त के बाद 23 अगस्त के साथ खड़े हैं ना, हमने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, डिनाउंस कर लिया। ये जवाब दें, लेट मी अलाउ टू वर्क, हमें पॉलिटिकल स्पेस तो दे। ठीक है, यू शुड बी अलाउड टू वर्क, यू शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड। सही, हम अपने तंजीमी स्ट्रक्चर को बिल्कुल बिल्कुल काम करने की जगह चाहिए। मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि आपने जब कहते हैं तंजीम को बढ़ाने की इजाज़त दें तो आपका मतलब ये होता है जो पुरानी तंजीम थी जो कि नामालूम अफराद के गार्ड में काम करती थी उससे आप अलग हो गए। आपका जवाब इससे बरक्स था। खैर, वील एक्सप्लोर दिस फर्दर, मेरे ख्याल से बहुत सारे शोज़ होंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हमारे आज के शो का वक्त खत्म होता है। निहाल आशिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सलमान बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच एज वेल। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। facebook.com/agenda360 पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कल एक बार फिर इंशाल्लाह 7:05 पर आपके सामने हाजिर हूँ।